सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया है, चार्जशीट क्यों नहीं हुआ है, तो सीबीआई काम करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। बहुत लोगों का कहना है चुनाव चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप हार गए इस कारण से बदला ले रहे हैं। आप बताइए अगर यही केस 2017 में होता, 2018 में होता, तो आप कहते 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हो रहा है। इसलिए हो जाता ना कि शुभेंदु अधिकारी का भी इसी तरह का वीडियो था। शुभेंदु अधिकारी उनपे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुकुल रॉय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आज प्रियंका चतुर्वेदी जो की शिवसेना की नेता, उन्होंने सवाल खड़ा करा कि आपने क्या वॉशिंग मशीन में उनको ढो लिया है। नहीं, ये शिवसेना क्या बंगाल में चुनाव लड़ी थी क्या, वो शिवसेना क्यों सवाल पूछ रही है? शिवसेना अपना कोरोना का जो युद्ध चल रहा है महाराष्ट्र में उसको संभाले ना, अपना गवर्नेंस संभाले, वो क्यों बंगाल में कूदे हैं? ना 3 में ना 13 में है बंगाल में, जाके बंगाल में वहां पे राजनीति कर रहे हैं। अब मैं, आपने 5 सवाल पहले पूछे थे, उसका जवाब दूंगा, फिर शुभेंदु जी पे भी जवाब दूंगा। आपने बताया कि जहां तक सीबीआई का सवाल है, समय कैसा है ये? आप हार गए चुनाव तो आप इस प्रकार बदला लेंगे? आप बताइए 19 में होता तो आप बोलते 19 का चुनाव है, अगर 2020 में ये गिरफ्तार होते तो आप बोलते 21 में विधानसभा का चुनाव है। अभी तो सब चुनाव खत्म हो गए हैं, अभी गिरफ्तारी हुई है, कोई चुनाव तो नहीं है। दूसरी बात है लॉकडाउन और कोरोना का गवर्नेंस का विषय। आप बताइए लॉकडाउन किसने तोड़ा आज? आज जिस प्रकार से सैकड़ों लोग सड़क पे उतर के आ गए, सीबीआई ने किया क्या नहीं किया वो तो कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए। मुख्यमंत्री जाके सीबीआई के दफ्तर में धरना दे रही है, सैकड़ों लोग सड़क पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? वो गलत है सेंट्रल नहीं सर, आप बताइए इस प्रकार की हिंसा होनी चाहिए क्या? और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद करिए, ये वही ममता बनर्जी है जो धरने में बैठी थी जब सीबीआई राजीव कुमार केस में गई थी, बाद में राजीव कुमार को मतलब कोर्ट में केस हुआ। देखिए यही तो फेडरल स्ट्रक्चर है, ममता बनर्जी को सेंटर पे भरोसा ही खत्म हो चुका है, उन्हें लगता है कि सेंटर जो कुछ करता है वो पॉलिटिकल मोटिव से करता है। गवर्नर के आप बयान देखिए, ऐसा लगता है कोई राजनीतिक व्यक्ति बोल रहा है। समित पात्रा देखिए, कहीं ना कहीं भरोसा जो सेंटर और स्टेट के बीच में होना चाहिए वो नहीं है। इसकी जिम्मेदारी आप दोनों की है, यानी टीएमसी की भी आपकी। आप चुनाव केंद्र में लड़े, जीते। ये चुनाव बंगाल में लड़े, जीते। आप लड़े बंगाल के अंदर, आप हार गए चुनाव। कुल मिलाकर सेंटर और स्टेट का एक जो रिलेशन होता है वो तो मेंटेन रहना चाहिए। आप दोनों को चिंता होनी चाहिए कि इस समय कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, उसकी हम मदद करें। लेकिन रेदर देन डैट आप लोग अपनी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं, जो जायज नहीं है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो आप हो। डॉक्टर पात्रा, पहली बात तो आपने कहा कि ये पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग है। कैसे पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग है? ये सैकड़ों लोग जो उतर के पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। अगर इसमें स्कोर सेटलिंग करना है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आप जाके लड़िए सीबीआई के खिलाफ। आप ये धरना नहीं दे सकते हैं और लोगों को उकसा नहीं सकते वायरेंस करने के लिए। नंबर एक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट संबित पात्रा, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। आई हैव नॉट टोल्ड कि सीबीआई इज डूइंग अ पॉलिटिकल थिंग। मैं आपको नहीं कह रहा हूं भैया, मैंने ये बोला जो गवर्नर पे आरोप लग रहे हैं, जो टीएमसी आरोप लगा रही है। गवर्नर पॉलिटिकल पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा गवर्नर को। कल मैंने गवर्नर का वो वीडियो देखा जहां गवर्नर जाके विजिट करते हैं उन हिंदुओं को जिनको घर से बाहर धक्का देके निकाला गया है, और जो कह रहे हैं हम अगर अपने धर्म को परिवर्तित कर देंगे तभी जाके हम बंगाल में रह पाएंगे। अरे ठीक कैसे है, कैसे ठीक है? मतलब क्या कमाल का हो रहा है? यहाँ पर हत्या पे हत्या हो रही है यार, रेप पे रेप हो रहा है, लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को तोड़ दिया जा रहा है, ये सब किसी को नहीं दिख रहा है। देखिए ये बदले के भाव से नहीं हो रहा, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये बदले के भाव से नहीं हो रहा है, ये आप बोल रहे रेप का कारण है, इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी कई वीडियो फेक आए हैं, कई वीडियो फेक आए हैं डॉक्टर पात्रा, कई वीडियो बीजेपी के नेताओं ने फेक ट्वीट करे, जिसको वेस्ट बंगाल पुलिस ने बोला ये फेक है, ये फर्जी है। मिस्टर अमीश देवगन, आप सुनिए ध्यान से, आपने कहा कई वीडियो फेक है, मैं आपको बिल्कुल पश्चिम बंगाल पुलिस ने बोला, अमीश देवगन लिसन, अमीश देवगन पश्चिम बंगाल पुलिस ने बोला, आप सुनो, आप मेरी बात सुनो पहले अमीश जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप सुनिए। अमीश देवगन जी, आपने कहा है कि ये सब फेक है, तो मैं तो बता रहा हूँ न्यूज 18 चैनल तो सुनने में आया, बंगाल का एक बड़ा चैनल है, क्या कर रहा है ये न्यूज 18 चैनल जाके क्यों नहीं ग्राउंड में देखता है कि जो 16 लोगों की हत्याएं हुई है ये 16 लोग फेक थे या सच में हत्या हुई है? नहीं, क्या हत्या कर रहा है आपका? नहीं देखिए, हत्या कर रहा हूं मैं आपके, लेकिन आपने जो रेप की बात बोली मैंने उस पर बोला ना, आपका चैनल कर क्या रहा है? आपका चैनल वायलेंस नहीं दिखा सकता है? हाथरस में जाके आपके चैनल तो गिद्ध की तरह मंडरा रहा था, यहाँ पर कहाँ चला गया आपका चैनल? हम हाथरस भी दिखाते हैं, बंगाल भी दिखाते हैं, सभी पात्रा, मुझे हमें न्यूज 18 को भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, सभी पात्रा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ कवरेज करनी है कहाँ नहीं करनी। हम हाथरस भी कवर करते हैं, हम बंगाल को भी कवर करते हैं, अगर गलती हुई होगी तो जरूर कवर कराया है हमने। आपने उतर करके दिखाया सच्चाई ग्राउंड का? बिल्कुल दिखाई हमने सच्चाई, लेकिन हमने ये भी, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल पुलिस बोल रही
रही है, जैसे हमें सीबीआई पे भरोसा है वैसे हमें पश्चिम बंगाल पुलिस में भी भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रही है फर्जी वीडियो है, तो हमें बोलना पड़ेगा वो फर्जी वीडियो है। हिम्मत है उतर के बंगाल में रिपोर्ट करने की, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वहां डंडे पड़ेंगे आप उतरेंगे तो। ना ना ना, संबित पात्रा, संबित पात्रा, संबित पात्रा, संबित पात्रा, आप अपना धैर्य ना खोइए, हमें हमें कहां से कौन डंडे मारेगा वो विषय नहीं है अभी, और वो विषय नहीं है, महत्वपूर्ण है। आपके चैनल को भी एक्सपोज करना चाहिए, न्यूज 18 तो इतनी बड़ी चैनल है बंगाल में, क्यों नहीं उतरती ग्राउंड पे दिखाने की? आप मुझसे बोल रहे ये फेक है, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, ये जो 40,000 लोग जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जो रेप की बात आपने बोली, जिसको पश्चिम बंगाल पुलिस ने बोला था वो फेक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हिंसा को फेक नहीं कह रहा मैं, रेप भी फेक नहीं है, मैं बता रहा हूँ रेप भी फेक नहीं है, जो महिला बोल रही है टीवी पे। देखिए पश्चिम बंगाल पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे पश्चिम बंगाल पुलिस तो बोल रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस जब बोल रही थी तो आप तो उस पुलिस को गद्दार बोल रहे थे, आप जाके किसी ने पुलिस को गद्दार नहीं बोला, किसी ने पुलिस को गद्दार नहीं बोला, आप किसी किसी और चैनल ने बोला होगा शायद, न्यूज 18 ने तो ऐसा नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में सुनिए अमित जी, सुनिए।